अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुज़ैफ़ा शाकिब। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और ये देखें फ्रेंड्स, ये है चाइनीज़ बनियन का प्लांट, इसे चाइनीज़ बनियन कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस माइक्रोक्रापा, और इसे लोग फाइकस पांडा के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही मेरा बड़ा सा प्लांट है। तो ये इसकी कटिंग मैंने इसमें से बड़े वाले प्लांट में से मैंने इस तरह से ग्रो किया था। तो अब इसमें अच्छे से रूटिंग हो गई है, अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। ये देखें इस तरह से, अगर आप छोटा सा प्लांट, अगर जितना बड़ा मैंने इसको प्रोपोगेट किया है, अगर आप नर्सरी से ख़रीदते हैं तो आपको 50 से 60 रुपये का आराम से मिल जाता है। तो इसको आप नर्सरी से भी ला सकते हैं और इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। लोग इसको बोनसाई के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी बोनसाई बहुत आसानी से बनती है फ्रेंड्स। और ये देखें इस तरह से। तो अभी हम इसको रिपोर्ट करने वाले हैं, तो बात कर लेते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो इसको हम वेलड्रेंट सॉइल देने वाले हैं, फाइकस को वेलड्रेंट सॉइल पसंद है। तो ये देखें, ये है सैंड, तो 20% हमने सैंड लिया है, 50% इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है, ये वर्मी कंपोस्ट है, और 50% हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, और 20% हमने ये रेतीली मिट्टी, जो रेत वाली मिट्टी होती है वो हमने लिया। अगर रेतीली मिट्टी नहीं है तब भी, अगर सैंड है तो सैंड डाल सकते हैं, चलेगा। अगर रेतीली मिट्टी नहीं है तो आप 30% सैंड डाल सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स साफ फंजीसाइड, तो इसका भी हमने यूज़ किया है कि जब हम, क्योंकि हम अभी इसमें प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे इसमें मिट्टी में किसी तरह की फंगस नहीं लगे, तो इसलिए हमने फंजीसाइड का यूज़ किया है। तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है फंजीसाइड। तो फ्रेंड्स देखें इस तरह से हमने मिट्टी को मिला लिया है, और मुझे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं 2 गमले के लिए मिट्टी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, मैंने मिट्टी अच्छे से मिला लिया है, और ये रहा गमला। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये ड्रेनेज होल है, और इसको इस तरह से देखें कवर करना है, इसको उल्टा कवर नहीं करना फ्रेंड, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ इस तरह सीधा रखना है। इसको ड्रेनेज होल को मैंने कवर कर दिया है ताकि ये मिट्टी, ऐसे अगर डायरेक्ट मिट्टी डाल देते हैं तो छेद बंद हो जाएगा, तो इसमें रूट्स सड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको ड्रेनेज होल को बंद कर देना है, फिर इस तरह से मैंने मिट्टी डाल लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखें, अब इस प्लांट को इस पॉली बैग से बाहर ले आते हैं। तो जब भी मैं फ्रेंड्स, कभी भी मैं प्लांट लाती हूँ नर्सरी से, तो मैं पॉली बैग को नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि जो भी कटिंग मुझे लगाना होता है तो मैं इसी में लगा लेती हूँ। और ये देखें फ्रेंड्स कितनी अच्छी रूटिंग हुई है, ये देखें इस तरह से आराम आराम से निकालना है इसको, देखें बहुत ही अच्छी रूट आई है। और इसको बस हल्के हाथों से इसकी थोड़ी थोड़ी सी मैं मिट्टी निकाल ले रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप मत निकालें, ऐसे ही लगा दें डायरेक्ट, नहीं तो रूट अगर डिस्टर्ब हो जाएंगी तो आपका प्लांट मर भी सकता है। तो ये देखें मैंने हल्के हाथों से इस तरह से मिट्टी निकाल लिया है। तो ये देखें इस तरह से मैंने
अपना प्लांट लगा लिया है और थोड़ा सा हल्के हाथों से मैंने दबा दिया है इसको, मिट्टी को, कि कोई एयर पॉकेट नहीं रहे जब हम इसमें पानी डालेंगे तो। ये देखें, इस तरह से मैंने पानी डाल लिया। जब आप पहली बार पानी डालें तो बिल्कुल अच्छी तरह से पानी डालें। तो इस तरह से मैंने अपने पहले प्लांट को लगा दिया है। अब जो बचा हुआ दूसरा प्लांट है उसको भी लगा दे रहे हैं दूसरे गमले में। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपना दूसरा प्लांट भी रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको भी मैं अच्छी तरह से पानी डाल दे रही हूँ। तो बात कर लेते हैं कि इसको पानी कब कब देना है। तो फ्रेंड्स, फाइकस को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, तो जब भी इसकी मिट्टी ड्राई हो ऊपर से 1.5 इंच फिंगर की टिप्स की हेल्प से चेक कर लें, जब भी ड्राई हो तभी इसको पानी देना है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना।